हम आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि हुकूमत ने मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब रमज़ान रिलीफ पैकेज की तफसीलात जारी कर दी हैं। रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया सस्ते दामों मिल सकेंगी। रमज़ान रिलीफ पैकेज पूरे मुल्क में यूटिलिटी स्टोर्स पर 2 मई से दस्तयाब होगा। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के इलामिया के मुताबिक रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत 19 अशिया खुर्दनोश पर सब्सिडी दी जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स में आटे पर 4 रुपये फ़ी किलो, चीनी पर 5 रुपये फ़ी किलो, घी पर 15 रुपये और ऑयल पर 10 रुपये फ़ी किलो सब्सिडी दी जाएगी। इलामिया में बताया गया है कि दाल चना पर 20 रुपये, दाल मूँग पर 15 रुपये, दाल माश पर 10 रुपये, सफ़ेद चने पर 25 रुपये, बेसन पर 20 रुपये, खजूर पर 30 रुपये और बासमती चावल पर 15 रुपये रियायत दी जाएगी। इसी तरह मशरूबात की 1500 मिलीलीटर बोतल पर 15 रुपये और 800 मिलीलीटर बोतल पर 10 रुपये सब्सिडी दी जाएगी, जबकि चाय की पत्ती पर फ़ी किलो 50 रुपये और दूध पर फ़ी लीटर 15 रुपये रियायत होगी। इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर्स में तमाम मसालाजात पर भी 10% तक सब्सिडी दी जाएगी। हम आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि हुकूमत ने मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब रमज़ान रिलीफ पैकेज की तफसीलात जारी कर दी हैं। रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया सस्ते दामों मिल सकेंगी। रमज़ान रिलीफ पैकेज पूरे मुल्क में यूटिलिटी स्टोर्स पर 2 मई से दस्तयाब होगा। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के इलामिया के मुताबिक रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत 19 अशिया खुर्दनोश पर सब्सिडी दी जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स में आटे पर 4 रुपये फ़ी किलो, चीनी पर 5 रुपये फ़ी किलो, घी पर 15 रुपये और ऑयल पर 10 रुपये फ़ी किलो सब्सिडी दी जाएगी। इलामिया में बताया गया है कि दाल चना पर 20 रुपये, दाल मूंग पर 15 रुपये, दाल माश पर 10 रुपये, सफ़ेद चने पर 25 रुपये, बेसन पर 20 रुपये, खजूर पर 30 रुपये और बासमती चावल पर 15 रुपये रियायत दी जाएगी। इसी तरह मशरूबात की 1500 मिलीलीटर बोतल पर 15 रुपये और 800 मिलीलीटर बोतल पर 10 रुपये सब्सिडी दी जाएगी, जबकि चाय की पत्ती पर फ़ी किलो 50 रुपये और दूध पर फ़ी लीटर 15 रुपये रियायत होगी। इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर्स में तमाम मसालाजात पर भी 10% तक सब्सिडी दी जाएगी। हमने आपको रमज़ान रिलीफ पैकेज की अहम खबर से आगाह किया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें।